कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अली और मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल अली प्रो गेमर पर। इसे कहते हैं खतरनाक इंट्रो। पता नहीं सो मेरे हाथों को कौन सी तरफनी लगी हुई है। आज हम एक न्यू गेम खेलने जाएं जिस गेम का नाम है हॉरर हाउस इविल शूटर। जी हाँ, एक शूटिंग गेम और इसमें हमें सर्वाइव करना होता है। बस किसी ना किसी को मारना होता है। पता नहीं, अरे बाप क्या बात है। और इस सब मेरे पास सबसे अच्छी गन है हमारी पिस्तौल, क्योंकि गेम का स्टार्ट है, शुरू है गेम का, तो चलेगा। अभी फिलहाल पिस्टल से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट हो रही है। ओके, इस गेम में लेवल्स हैं, तो 11 मंथ से स्टार्ट करते हैं गेम। और यहाँ पे स्लाइम आ गई यार। ओके, सो ऐड कॉइन करते हैं और गेम के अंदर चलते हैं। अब प्लीज़ मुझे गेम, मुझे अंदर से बस देखना कि गेम अंदर से कैसे होगी। ओ माई गॉड। ओके, सो यहाँ से हमारे पास पिस्टल है, ठीक है। मैं कह रहा था मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं पत्थर के अंदर अटक गया। ओके, यहाँ से सारी रोशनी जा रही है, तो इसके क्या, इसके अंदर कुछ है क्या? अगर मैं इसको दोबारा से, अच्छा मैं नहीं कर सकता दोबारा से, मुझे कहीं पर लेकर जाना है मुझे। ओ माई गॉड, एंट्री एकदम मज़ेदार है यार। एक मिनट, अगर मैं इससे क्या होता है, अच्छा इससे मैं भाग सकता हूँ। लेट्स गो भाई, फ्लैश का अल्टीमेट चाचा आ गया बेटे, साइड पे हो जाओ। अब मैंने फ्लैश को चाचा इसलिए नहीं बोला क्योंकि फ्लैश के चाचे उससे बड़े होंगे तो ऑब्वियसली स्लो होंगे। भाई देख रहे, ओहो अच्छा मुझे रोशनी कलेक्ट करते हुए जाना है। बेटे अच्छा, दिस लुक्स लाइक एम्प्टी टाउन। ओके टाउन एकदम एम्प्टी। और बाप रे, मुझे किस घर में लेके जाना, मुझे साइड पर ध्यान रख के ध्यान रखना पड़ेगा। यस में एम नहीं है। ओके, हमें ऊपर जाना है टाउन। और बाप रे, क्या 3D की तरह चढ़ो, मैं चढ़ो ऊपर यार, दिमाग खराब। ओ माय, अरे बेटे ये क्या है, उठाओ भाई उठाओ, फ्री का माल है उठाओ। हाँ वो अलग बात है, मेरे पास ऑलरेडी एक पिस्टल है, लेकिन फिर भी उठा लेते हैं, ठीक ही चीज़ है। अरे भाई मुझे पिस्टल दो भाई, पिस्टल गाय मेरी। ओके, अभी क्या आया मेरे पास, अच्छा कुछ भी नहीं आया। अरे फ्लैश लाइट भी दे कर रखी है मुझे, क्या बात है। पिस्टल हाथ में रखते, ये क्या, अच्छा मुझे लगा मैं हार गया, ये लेवल बहुत इतना आसान, मुझे बस गन उठानी थी। चलो कोई नहीं, जो मर्जी हो, 1000 कॉइन्स मिल गए आती। अरे बॉयस, अच्छा इसमें मैं ज़ॉम्बीज को मतलब मारना पड़ेगा। आ जाओ सर्वाइव। ये दोबारा से मेन मेन्यू पे उठा के ले आए यार कुछ भी। ओके, सो अभी यहाँ से दोबारा से हम गेम के अंदर जाएंगे और फिर से हमें पिस्टल दे के रखी है। कोई अच्छी गन भी दे दो यार, मैं कब तक पिस्टल से लड़ूँ, मुझे नहीं चाहिए टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन कर लो, हम नहीं करें, हमें नहीं जरूरत GTA 5। और अभी मेरे सामने 5000 ज़ॉम्बी जाएंगे, देखना मैं एक ही शूट करूँगा सारे मर जाएंगे। दावे तो मैंने बहुत बड़े बड़े मार दिए, पता नहीं आगे क्या होता है। गेम के अंदर जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या मिस्ट्री है इस टाउन की, क्या बात एकदम। ओ फॉलो द ब्लड टेल, कहाँ है ब्लड, ब्लड कहाँ है? पहले पिस्टल पकड़ो यार, मुझे डर लग रहा है। बाहर जाके देखो तो बाहर तो कुछ भी नहीं है। ओ बेटे ये रहा खून, सामने मुझे शायद कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या दिख रहा है लेकिन फिर कुछ दिख रहा है। चलो यार, क्या आधा घंटा लगाएगा और जाने में अभी ये। ओके, ये देखो भाई, भाई थकता नहीं है, कितना स्टेमिना है इसके अंदर। ओ वाओ, दरअसल मैं हूँ ना इसलिए, ये मेरे से तेज फिर भी नहीं है। ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे खून, मुझे इंटेंस वाली फील आ रही है। सब मज़े की गेम यार, सही मज़े की गेम है ये। लेट्स गो। वो भाई एकदम माइनक्राफ्ट वाले शेडर्स तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तुझे क्या हो गया पागल, ये क्या था? ये था क्या,
पागल इंसान, ये क्या था? इसमें एम नहीं है ना ना ना, कि प्लस वाला साइन दिया यार, मुझे अच्छी गन चाहिए। ओ या मैं ये बाय कर सकता हूँ अब, आ जाओ। 1 मिनट में बाय नहीं, और मेरे पास 2,000 10,000 की है ना। नहीं दो यार, मेरी पिस्टल कहाँ है? यही सही है, फिलहाल पिस्टल से ही काम चलाते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। यानी कि अभी मुझे 8 लेवल्स और करने पड़ेंगे इसके लिए। वेल डन भाई, वेल डन, आप लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। 8 लेवल्स और खेलने के बाद जाके मुझे वो मिलेगा क्या यार? अजीब जिद है ये। चलो अभी मैच के अंदर फिर से उतरते हैं, क्योंकि हम तो पीरो हैं जैसे जीप ज़ॉम्बी सा, पता नहीं आ, 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 कर रहा था बस। किल दिस क्रिएचर्स, अभी आ जाओ बेटा। चलो यार जल्दी, गेम का मजा ही तब आना है। ओके मेरे सामने ऑलरेडी क्रिएचर्स दिख रहे हैं। कहाँ जा रहे है? ओ पागल, इसको लग क्यों नहीं रही? ओ पागल, मेरे पास, ओ पागल, ये मेरे पास नाइफ भी थी। लेवल फेल्ड, मेरे पास यार, मैंने नाइफ भी उठाई थी ना वहां से, नाइफ नहीं मैं आई मेरे पास। रीस्टार्ट इट। ओके सर, से एक चीज़ का मुझे पता चल चुका है कि मुझे जो गन्स के अंदर मेरी एमो है, गन्स नहीं बात हुई, गन के अंदर जो मेरी एमो है वो मुझे पागल हो गया। साइड पे 1 मिनट यार, मैं मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, मेरे पास नाइफ भी थी, मेरी नाइफ कहाँ गई? देखो ना, फ्लैश लाइट और पिस्टल है बस मेरे पास, नाइफ होती ना मैंने कुछ चीर देना था पूरा। हेड शॉट पड़ा है उसका। मेरे पास गन्स की एमो बहुत कम दी गए रखी दे के रखी है यार इन्होंने, ये गलत बात है। आ गया आ गया, वो पागल मैं पीछे हूँ। आ गया ये, आ जा आजो, आ गया ये। एमो खत्म हो गई, शिट। क्या लेवल है ये? एमोस भी मेरे पास बहुत कम है, मैं एक काम करता हूँ। पागल कितना शोर मचाया इसने। ये चीज़ क्या मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास एमोस इतनी कम क्यों है ना? इन्होंने मुझे इतने मनी दिए हैं कि मैं रख पाऊँ अपने पास वो। देखो ना यार, कितनी आला आला गन्स है, मेरे पास पिस्टल है सिर्फ। ओके अगर मैं इसके अंदर जाऊं,
इसके और अंदर जाऊं तो क्या मेरे पास कुछ अच्छा अच्छी चीज आएगी? या मुझे एक चीज बस बताओ तुम लोग, या मैं एमोस बाय नहीं कर सकता ना ही एम वन हिट किल है। लास्ट ट्राई करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ना मैं एमोस बाय कर पा रहा हूँ। ओ बॉय साहब, बूढ़ा कर दिया बेचारे बच्चे को, शरीफ बच्चा है यार वो, छोड़ दो उसकी जान। लेट्स गो, आई थिंक मुझे जाते जाते गन निकाल लो। आई थिंक मुझे इनको वन हिट में मारना पड़ेगा, इनका आई थिंक हेड शॉट लूंगा तो फिर इजीली इनको मार पाऊंगा। ओ पागल, ये लेवल मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रही इसमें क्या करना है। सो गाइस, आई होप कि मुझे इस गेम के बारे में और कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एमोज आई थिंक लिमिट 10 एमोज, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आई थिंक 50 एमोज भी इसमें पूरी नहीं है, तो ये लेवल मुझे समझना पड़ेगा इसको कैसे करते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे 40 होने वाले हैं बस एक और। पिछले आई थिंक 6 दिनों से, यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते से हमारे 39 है, 40 करवा दो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट, आपके छोटे भाई के लिए सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, इसे कहा जाता है सस्ता प्रमोशन। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।